पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप से मेरा नाम मजाक मेरा नाम नदीम। यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तालिबान ने पाकिस्तानी झंडे को पहलो तले रोंदा। ये तो बहुत बुरी बात है यार, बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। मतलब कि झंडे को अपने पांव के नीचे रोंद दिया, परचम को तालिबान अपने पांव तले रोंद रहे हैं। तो अभी ये देखते हैं यार, परचम जिसका भी वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी देखेंगे फिर एंड में हम लोग इस पे बात करें। तो कौन करते थे ट्वेन स्टार्ट, ये ट्रक से तोड़ रहे हैं, ये झंडे को उतारा है ना, देखो देखो एक ट्रक से नहीं काफी ट्रक हो गए, ये देखो ऊपर से पीछे शोर भी हो रहा है। बिल्कुल ये कुछ बंदे उठा के लेके जा रहे हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक और एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो सामने आई। उन्होंने ना सिर्फ उस पूरे के पूरे मामले में पाकिस्तान का परचम जो कि उन ट्रकों के ऊपर लगा हुआ था वो परचम उतारा, बल्कि उसकी बेहुर्मती भी की और वीडियो क्लिप के अंदर ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि इस परचम को हम जला देंगे। बहुत बड़ी बात, बड़ी खबर बनाए हुए और अभी की खबरें आने लग गई। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी रिफ्ट क्रिएट हो गई है। वहां से पाकिस्तानी परचम को उतार कर पाकिस्तानी परचम की तजलील की है, तो इसका बैकलैश पाकिस्तान की तरफ भी आएगा। और ये झंडा ना सिर्फ इस ट्रक से उतारा गया है बल्कि इसे उतार कर इसे फाड़ा भी गया है। और एक शख्स से गालिबन ये कह रहा है कि इस झंडे को जलाना चाहिए। हिंदुस्तान तो भाई पाकिस्तान को लेकर तालिबान में मचा घमसान अब खुलकर सामने आने लगा है। इसी ये तो सामने आएगा ना, अब खुलकर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। अब सत्ता में आ गए हैं ना, से गए ट्रक को तालिबान लड़ाकों ने रोक दिया और आपत्ति जताई कि इस पर पाकिस्तानी झंडा क्यों लगा हुआ। देखते ही देखते तालिबानी लड़ाकों ने ट्रक के आगे लगा पाकिस्तानी झंडा उखाड़ फेंका और कैमरे के सामने ही इसे फाड़ दिया। तालिबान में मुल्ला ब्रादर और मुल्ला यूसुफ के नेतृत्व वाला गुट पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसका कारण पाकिस्तान की अफगानिस्तान में बेवजह दखल अंदाजी है। अब इस घटना से पाकिस्तान परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की परेशानी यह है कि इन घटनाओं को पाकिस्तान ना तो बता सकता है और ना ही इन्हें छुपा सकता है। बिल्कुल सही बात। वीडियो में वीडियो तो वायरल होती है भाई। और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम एक इंतहाई अफसोसनाक और एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो सामने आई। तुरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान से सामान से लदा हुआ ट्रक जैसे ही तुरखम बॉर्डर क्रॉस, अच्छा जो इनकी इमदाद लेके गया, और मैं समझ में आई बात। लोग जो है जो जंगजू है जो की तालिबान के हाजिर सर्विस, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं, ना सिर्फ उस पूरे के पूरे मामले में पाकिस्तान का परचम जो के उन ट्रकों के ऊपर लगा हुआ था वो परचम उतारा, बल्कि उसकी बेहुर्मती भी की और वीडियो क्लिप के अंदर ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि इस परचम को हम जला देंगे। इस सब के बाद एक पूरी सोशल मीडिया पर एक तशवीश की लहर भी दौड़ी और एक तूफान खड़ा हो गया कि ये किस जानिब को मामला जा रहे हैं। कि आज पाकिस्तानी ट्रक जो कि तजारत की गर्ज से सामान लेकर जा रहे थे तुरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे उन पर पाकिस्तानी परचम लगे हुए थे जिन्हें वहां के लोगों ने यानी जो तालिबान की सिक्योरिटी थी उन्होंने रोका है और वहां से पाकिस्तानी परचम को उतार कर पाकिस्तानी परचम की तजलील की है। उस पर इंडिया में काफी प्रोपेगेंडा किया गया। सूरत हाल अफगानिस्तान से मुतालिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। उन्होंने तो खुश होना है, हम लोग जो बीच में कहते तालिबान की तोहीन की गई है। पाकिस्तान से एक इमदादी सामान से लदे हुए ट्रक पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया था, जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं इमदादी सामान से लदा हुआ ट्रक के जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा खाने हुआ को हमारे लिए नहीं, जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तुरखम बॉर्डर के जरिए से दाखिल होता है, नंगरहार सूबा है अफगानिस्तान का और इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो जैसे ही अफगानिस्तान के इलाके में दाखिल होता है तो कुछ लोगों ने शरपसंदों ने इस झंडे को उतार दिया। और ये जो झंडा उतारने वाले लोग के बारे में इतलाह सामने आ रही है कि इन्हें अफगानिस्तान शर्म आनी चाहिए, ऐसे को दे रहे हैं खुद खाने को नहीं हमारे, ऐसे कि इमदाद ही नहीं देनी बंद कर देनी चाहिए। ये झंडा ना सिर्फ खुद खाने को नहीं उतारा गया है बल्कि इसे उतार कर इसे भीख मांग रहे और इनको खिला रहे हैं। और एक शख्स गालिबन ये कह रहा है कि इस झंडे को जलाना चाहिए। जैसे ही ये वाकया सोशल मीडिया पर सामने आया
पाकिस्तान की जानिब से शदीद गम पाकिस्तान के जो आला हुकाम है उन्होंने अफगानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत के साथ मामला उठाया। नाज़रीन काम, अब भारत का मीडिया इस वाक़े को लेकर बड़ा शोर शराबा कर रहा है कि अब तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए हैं, पॉलिसियां अपनाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अब तालिबान खुलकर सामने आ गए हैं और पाकिस्तान के झंडों को उतारना और तौहीन करना शुरू कर दिया गया है। अच्छा जी, पाकिस्तान के खिलाफ ना इस वाकये के बाद ना फौरन भाई उन्होंने तो बताना है मीडिया ने, बिल्कुल पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी रिफ्ट क्रिएट हो गई है। तालिबान के अंदर का एक ग्रोह है जो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे को जलाने की कोशिश की और उसके बाद पता नहीं क्या क्या क्या। अब सुने वाक्य क्या है, तोरखम बॉर्डर पर इस वाक्य से पहले यह हुआ कि कुछ ट्रक फल फ्रूट के और सामान के पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए अफगानिस्तान से। जब हमने उसकी तलाशी की पाकिस्तान फोर्सेस ने, तो उसके छुपे हुए खुफिया खानों से असले की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, खुफिया खानों से। अच्छा, जो उधर से आए जी। इससे पहले कि इसका नोटिस होता, कुछ दीगर ट्रकों से जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे उनकी खुफिया पॉकेट से हेरोइन पकड़ी गई, अफगानिस्तान से आने वाली हेरोइन, नशे की चीजें। उसके हाँ तो उन्होंने एक्सपोर्ट भी तो करना है यार, आप जाहिर सी बात है, उधर उगाते जो है उधर चलती है चीज। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये ट्रक रोजमर्रा की बुनियाद पर समझे और ये खुफिया पॉकेट थी, तो ये कैसे हो सकता कि वो इस तरह करें अगर ये मामला सिर्फ तजारती ट्रकों का आपस में होता। नहीं, ये मामला ये नहीं था, उससे पहले एक हीट बन चुकी थी, हेरोइन का इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिली हो आपको, आपके पास असले का इतना, कहते हैं हजारों गोलियां, गोला बारूद, बंदूकें, SMG, LMG, पता नहीं क्या क्या। जब मैंने फुटेज देखी मैं हैरान रह गया, क्योंकि आपको इतना अंदाजा कि मैं नेशनल टीवी पे जॉब भी करता हूं एज एंकर, तो जब मैंने खुद देखा मैं हैरान रह गया क्या हुआ है। फिर मैंने फोन किया, ओ तब से आई थिंक सो ये VTTB को जा रहा हूं। तालिबान के बीच में चपकलिश की खबरें कह नहीं सकते ना, उधर गर्दिश करने लग गई हैं। आबिदा साहिबा, अभी तो जुमा 7 दिन नहीं हुए हुकूमत बनाए हुए और अभी से इख्तलाफात की खबरें आने लग गई हैं, मुल्ला बरादर वर्सेज हक्कानी ग्रुप, और उसके बाद फिर हक्कानी ग्रुप की तरफ से तरदीद भी आ जाती है। आपकी नजर में जब तक हिब्बतुल्ला साहब मंजरे आम पर ना आए, क्या अफगान तालिबान या जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाई है अभी ये तालिबान ने, इसके अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी? डू यू थिंक के ये जब तक लीडरशिप का जो फुकदान हमें नजर आता है बिलखसूस हिब्बतुल्ला साहब के मंजरे आम पर ना सामने आने की वजह से, तो इसका बैकलैश पाकिस्तान की तरफ भी आएगा, ये कंटिन्यूड रहेगा इसी तरीके से या इसका भी कोई हल है? नहीं, मैं समझती हूँ कि उनकी बुरी अम्मा बढ़ाई सेटल डाउन कर जाएगी, ये बहुत पुरानी और अच्छा तश्वीश की इस हवाले से मैं नहीं समझती कि कोई जरूरत है। राइट लेकिन वेस्टर्न पावर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम आबिदा साहिबा बड़ी तश्वीश का इजहार भी कर रही है। इधर भी वीडियो खत्म तो कर तो रहे हैं भाई, ये तो पहले बात मुझे अब समझ आई, यानी उन लोगों ने भेजे माल हेरोइन वगैरह नशे की और बीच में उन्होंने भेजे वेपन्स वगैरह, अब वो जा कहाँ रहे थे ये नहीं पता, कहाँ जा रहे थे तो आर्मी ने हमारी पकड़ ली है। बिल्कुल, कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अब उसके बाद जब हमारा ट्रक उधर गया तो उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारा, बिल्कुल उतारा, और उनके साथ उसको बोला कि हम इसको जला देंगे। और भाई वो यार हमें तो पहले सबसे बड़ी हमें शर्म आनी चाहिए, हम लोग जो है उनको खिला रहे हैं, मतलब अपने ट्रक वहां पे भिजा रहे हैं, हालांकि हम लोग खुद भीख मांग रहे हैं और कंट्री से उनको खिला रहे हैं और वो आगे से मेरा ऐसा काम कर रहे हैं। ये तो फिर हमारे लोगों को सोचना चाहिए ना कि मतलब कि हमारे खुद खाने के लाले लगे हैं। पहले तो देखो बाबा कंट्री के साथ ये खिलवाड़, ये चीज पहले की बात है ना, इमदाद आप दे रहे हैं, इधर भी लाले पड़े हो, इधर हमें इधर आवाम भूख से मर रही है भाई। इधर यार अगर तुम उनको देते हो तलाकात उनसे तुमने क्यों बनाए हैं? ये तलाकात ऐसे बनाए कि हमारे झंडे को फाड़ रहे हैं और आग लगा रहे हैं, ये तो हमें शर्म आती है। बिल्कुल, अगले ने बाबा देखे झंडा उतारा है और उसने सिर्फ बोला कि हम आग लगा दें, आग लगा दें, ये तो गैरत होती है कि खत्म करो तलाकात उनसे और अपने सफारतकार को
मंगाओ उधर से बस बाबा क्या बंदा बोले बाल ही रखो हर चीज अपनी जगह लेकिन कंट्री फर्स्ट झंडे को आग लग कोई कह के उतार में आग लगा अगर इधर इंडिया होता ना घमंड में डंडे दे देता वजह वो तो आपकी बात ठीक है फिर वो कंट्री भी ऐसा है ना बस यही पाकिस्तान का यही जो ट्रक उधर जा रहे हैं यही ट्रक इधर गरीबों को आके दो ना यार अपने कंट्री के गरीबों को तो कम से कम वो खाएंगे भूख से मरेंगे तो नहीं ये उधर खाते भी है तो हमें झंडा भी झंडों को भी आग लगाते हैं तो हमें भी गालियां देते हैं क्या फायदा है क्या फायदा है ऐसे तलाका ऐसे आवाम के हमारे पैसों का टैक्स से उनको जा रही है चीजें क्या फायदा है ऐसी चीजों का ये एक मेजर साहब ने सच बात बोली थी ये आने वाला वक्त जो होगा ना पाकिस्तान की लटीन जो बातें बोलता है वो सही बोलता है कि आने वाला वक्त जो होगा वो गलत ही होगा ठीक नहीं होगा पाकिस्तान के ऐसी बात है भुगत और क्या? लेकिन ये चीज तो भी आना है पाकिस्तानी अगर उन्होंने वो झंडा उतरवा के ये चीज भी बोली का हम इसको जला देंगे कसम से अंदर से खून खोलता है कि बिल्कुल मतलब जो यार इमदाद का ट्रक जो जिसमें आपके खाने की चीजें वो भी फ्री में तुम लोगों को मतलब उस झंडे का उस मुल्क के झंडे को आप उतार के आग लगाते हैं आप क्या कर रहे हैं वही तो शर्म नहीं आती मतलब पहली तो हमें आ रहे भी शर्म का मकाम है हम लोग भिजवाते ये तो नोटों से गुमत को सख्त लेना चाहिए और सवार खाने को जो इनका सवीर है उसको मुहैया करके उसे सख्त वार्निंग देनी चाहिए ये जो आपके इलाके में ये काम हुआ है जो आपके कंट्री में ये काम हुआ है गलत हुआ है ये करते हैं ना मुल्क करते हैं अगर फ्रांस वगैरह कुछ ऐसा वैसा कर दे हम फ्रांस पे चढ़े हुए होते हैं हमने ये किया वो एक अलहदा बात है पापा लेकिन ये भी कंट्री का हमारे झंडे का उन्होंने किया है मसली ये भी बात ठीक है तो आप देखते क्या नोटिस लेते हैं हमें खुद बहुत गुस्सा है आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस बारे में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तब बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो बाय।